स्टार्ट। देखो बेटा, कल हम लोगों ने दो मेथड पढ़े थे। एक मेथड हमारा था, कौन सा मेथड आपको याद होगा? एक मेथड में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था, लेंथ मेजरमेंट करने का तरीका है इनफीरियर प्लैनेट्स और सुपीरियर प्लैनेट्स का। इनफीरियर प्लैनेट्स की लेंथ मेजर करने के लिए जो मैंने आपको मेथड बताया था वो कौन सा मेथड था? कॉपरनिकस मेथड। और जो सुपीरियर प्लैनेट्स है उनकी डिस्टेंस मेजर करने के लिए जो मेथड था वो कैपलर्स मेथड था, जो कि मैंने आपको बताया था कि तब पढ़ाएंगे जब आपका चैप्टर स्टार्ट होगा। कौन सा? जब आपका चैप्टर ग्रेविटेशन स्टार्ट होगा, जब आपको कैपलर्स के लॉ पढ़ना है। ठीक है, ये चीज हम डिस्कस कर चुके थे। उसके बाद मैंने आपको एक मेथड बताया था जिसका नाम था रिफ्लेक्शन मेथड, है ना। रिफ्लेक्शन मेथड बोल दो या इको मेथड, किसी भी हिल या किसी पहाड़ की या किसी ना उसकी अगर आपको हाइट के सॉरी डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है आपसे उस पहाड़ की डिस्टेंस कितनी है, तो आप क्या प्रोड्यूस करते हो? साउंड प्रोड्यूस करते हो, साउंड ट्रेवल करता है, साउंड ट्रेवल करके टकरा कर वापस आता है। टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल करता है 2x, जाने की डिस्टेंस x, आने की डिस्टेंस x, टोटल टाइम उसने कितना लिया t। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड हमने यूज कर लिया v, तो वहां से हमने स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोगों ने डिस्टेंस कैलकुलेट की थी। फॉर्मूला ये आया था हमारे पास डिस्टेंस का, एक्स बराबर वी मल्टीप्लाई बाई टी डिवाइड बाई टू। ठीक है, ये चीज हम पढ़ चुके थे। कौन से मेथड में पढ़ा था हमने? ये हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन मेथड में। इसी को रिफ्लेक्शन मेथड भी बोल देते हैं और इसी को इको मेथड भी बोल देते हैं। ठीक है, अब अगला आता है हमारे पास लेजर मेथड। कंसेप्ट यही है, चाहे वो रिफ्लेक्शन मेथड का हो, मैंने बताया था वो कल तीन मेथड था, लेजर मेथड, रडार मेथड और सोनार मेथड। तीनों में कंसेप्ट यही यूज होगा और तीनों का काम अलग अलग है। सबसे पहले हम बात करते हैं लेजर की। किस मेथड की बात करते हैं बेटा? लेजर की, LASER, लेजर मैथड। सबसे पहले हम बात करते हैं लेजर लाइट क्या होती है। एक लेजर लाइट बहुत ही हाईली इंटेंस लाइट होती है। जैसे अब आपके घरों में एक ऑर्डिनरी बल्ब है, ठीक है, उस बल्ब से जो लाइट निकल रही है और एक लेजर लाइट है उससे लाइट निकल रही है, दोनों की इंटेंसिटी को अगर कंपेयर किया जाए, इंटेंसिटी के बारे में आपको बता चुका था कि एक यूनिट एरिया में से कितनी लाइट पास होती है, अगर हम दोनों की इंटेंसिटी को कंपेयर करें ना बेटा, तो जो हमारे जो बल्ब होता है इलेक्ट्रिक बल्ब उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा कम होती है एज कंपेयर टू द लेजर लाइट। लेजर लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी होती है। ठीक है, और लेजर की जो फुल फॉर्म है वो सुनो, एल से एल का मतलब है लाइट, लाइट एम्प्लीफिकेशन, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय, एस का मतलब है स्टिमुलेटेड, ई का मतलब है इमिशन ऑफ, आर का मतलब है रेडिएशन। ये हमारी लेजर की फुल फॉर्म है। एल रिप्रेजेंट ए स्टिमुलेटेड इमिशन एंड रेडिएशन। ठीक है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड रेडिएशन ऑफ इमिशन। अब यहां से एक बात सुनो, एक होता है बेटा स्पॉन्टेनियस इमिशन और एक होता है स्टिमुलेटेड इमिशन, दोनों में डिफरेंस सुन लो क्योंकि आगे काम आएगी चीजें, है ना। अगर आप छोटे छोटे डेफिनेशन, छोटे छोटे वर्ड्स इनका मीनिंग आप जानते हो तो आपको जो आगे पढ़ने वाली चीज है वो इजिली समझ में। देखो, एक स्पॉन्टेनियस वर्ड होता है और एक स्टिमुलेटेड होता है। स्पॉन्टेनियस जो अपने आप हो, जो प्रोसेस अपने आप होती है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है, और जिन प्रोसेस को हम फोर्सफुली करवाते हैं वो होती है हमारे पास कौन सी प्रोसेस? स्टिमुलेटेड प्रोसेस। स्टिमुलेटेड प्रोसेस या स्टिमुलेटेड इमिशन की बात करें, स्टिमुलेटेड इमिशन को हम लोग खुद करवाते हैं, फोर्सफुली करवाते हैं, और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को वो प्रोसेस जो खुद ब खुद हो वो वाली प्रोसेस क्या कहलाती है बेटा? स्पॉन्टेनियस। अब हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में? लेजर के बारे में। तो लेजर की जो इंटेंसिटी है, लेजर की इंटेंसिटी हाई इंटेंसिटी है बेटा, हाई इंटेंसिटी। आपने जो मार्केट में लेजर लाइट देखी है ना, वो यही उसी लेजर की बात कर रहे हैं। पर अगर आपको कुछ याद होगा, सब बच्चों को याद होगा, हमारे स्कूल में एक
स्पेस के ऊपर एक वो रखा था हमने, एस्ट्रोनॉट एस्ट्रोनॉमिकल के ऊपर एक वो कराया था प्रोग्राम में, फंक्शन का करवाया था। वहां पर उनके पास एक लेजर लाइट थी, जो तो बच्चे आए थे सर उन्होंने देखा हो। अदरवाइज जो मार्केट में लेजर लाइट मिलती है वो, और जो लेजर मैं बता रहा हूँ ये, इनमें बहुत डिफरेंस है। जो मार्केट में लेजर लाइट मिलती है उसकी इंटेंसिटी बहुत कम होती है, उसकी पावर भी बहुत कम होती है, पर जो यहाँ लेजर लाइट यूज होने वाली है उसकी इंटेंसिटी काफी हाई होगी, उसकी पावर भी काफी हाई होगी। हाई इंटेंसिटी वाली लाइट यूज करेंगे और हाई पावर वाली लाइट यूज करेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो इसका काम क्या है, लेजर मेथड से आप लोग किस किस के बीच की डिस्टेंस बेटा, अर्थ के बीच में और मून के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते। अर्थ और मून के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है मुझे लेजर मेथड का यूज करें। कैसे करेंगे, हम लोग यहां से लेजर लाइट ऑन करेंगे जहां मून की लोकेशन है इन इन द इवनिंग टाइम। जहां मून की लोकेशन है वहां मून पर लेजर लाइट की बिट फॉल कराएंगे। मान लो ये आपका मून है और ये आपके पास लेजर लाइट है, ठीक है। लेजर लाइट से आपने लाइट इमिट की, वो जाके टकराएगी किस पर बेटा, मून पर। टकराने के बाद वहां से वापस आएगी, वापस कहां पर आएगी अर्थ पर। ये आप अर्थ पर हो और ये आप मून पर हो। आपने लेजर लाइट इमिट की, लेजर लाइट कहां पहुंची बेटा, मून पर। मून से वापस कहां पर आई बेटा, अर्थ पर। जाने की डिस्टेंस कितनी हुई एक्स, आने की डिस्टेंस कितनी हुई एक्स, ठीक है। अब लेजर लाइट वापस आई तो डिटेक्टर से हमने, ये हमारे पास क्या लेजर लाइट का इमिटर है और ये क्या है बेटा, ये हमारे पास डिटेक्टर है। किसको डिटेक्टर है बेटा, ये डिटेक्टर है लाइट को, जो लाइट वापस आई उसको डिटेक्टर है। इमिटर जाने की डिस्टेंस एक्स, आने की डिस्टेंस एक्स, तो टोटल डिस्टेंस कितनी कर ली बेटा इसने, वही सेम प्रोसेस। टोटल डिस्टेंस कितनी कर ली, एक्स प्लस एक्स कितनी हो जाएगी बेटा, टू एक्स। टोटल टाइम कितना लिया इसे जाने आने के लिए, देखो जब इमीटर ने लाइट को इमिट किया तब का टाइम नोट कर लो, अब जब रिसीवर ने डिटेक्टर ने लाइट को डिटेक्ट किया तब का टाइम नोट कर लो, टाइम इंटरवल निकल जाएगा उसके, ठीक है। टोटल टाइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, थी। और स्पीड कितनी है हमारे पास, मान लो स्पीड ऑफ लाइट, लेजर लाइट की स्पीड की बात करें उसको बोल दो स्पीड सी है। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, सी मल्टीप्लाई बाय टी डिवाइड बाय टू। जैसा कि हमने इको मेथड में पढ़ा, हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं किस किस के बीच की, सन के बीच की, मून के बीच की और अर्थ के बीच की, ठीक है। समझ में आ गया, होप सो, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ऐसे ही हमारे पास दो मेथड और है, जिन दोनों मेथड का जो प्रोसेस है वो सेम है। एक मेथड हमारे पास कौन सा है, लेजर मेथड के बाद है रडार मेथड। दूसरा मेथड हमारे पास है कौन सा मेथड बेटा, सोलार मेथड। तो आपको रडार पढ़ लेना है खुद से। रडार की फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ और सोनार की फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ। इन दोनों मेथड का क्या यूज है वो भी सुन लो, और दोनों मेथड के अंदर, इन दोनों मेथड के अंदर जो प्रोसेस यूज होगी या जो प्रक्रिया यूज होगी, जो फिनोमेना यूज होगी, वही सेम लेजर वाली है। आप रडार से रेडिएशन इमिट करोगे, रेडियो वेव टकरा कर रेडियो वेव वापस आएगी, डिटेक्टर लोगे, ठीक है। ऐसे ही सोनार से आप अल्ट्रासोनिक वेव, जैसे आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, सोनार से आपने प्रोड्यूस करी कौन सी वेव, अल्ट्रासोनिक वेव। वो टकरा कर सी के डेप्थ से टकरा कर सी वापस आ गई, तो आपने डेप्थ ऑफ सी कैलकुलेट कर ली उससे, ठीक है। तो आप कौन सा मेथड पढ़ बता रहा हूँ आपको, बोलो बेटा, रडार मेथड। ठीक है, और दूसरा कौन सा मेथड बता रहा हूँ बेटा, सोनार। जो रडार मेथड है उसकी हेल्प से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो किसकी बेटा, नियर बाय प्लैनेट की डिस्टेंस, नियर बाय प्लैनेट। और इसकी हेल्प से आप लोग क्या कर सकते हो बेटा, इसकी आप से कैलकुलेट कर सकते हो डेप्थ ऑफ सी, किसी भी समुन्द्र की गहराई को नापने, ठीक है। प्रोसेस दोनों में सेम है। इनमें जो लाइट, इसमें जो रेडिएशन, इसमें जो हम लाइट यूज करते हैं वो कौन सी वेव होती है, इसमें जो वेव यूज करते हैं वो होती है रेडियो वेव। कौन सी वेव होती है बेटा, रेडियो वेव। और सोनार मेथड में जो हम वेव यूज करते हैं उसका नाम होता है अल्ट्रा
अल्ट्रा सोनिक वेव, दोनों की डेफिनेशन, दोनों का जो कंसेप्ट है वो सेम है, वही सेम, एक्स बराबर कितना सी मल्टीप्लाई बाई टी डिवाइड बाई टू, यही फॉर्मूला दोनों में लगने वाला है, ठीक है। रेडियो रडार की फुल फॉर्म क्या है, रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग, रेडियो डिटेक्टिव एंड रेंजिंग। ऐसे सोनार का मेथड, सोनार की फुल फॉर्म क्या है ना, एस ओ एन ए आर, आपने पढ़ा होगा 9th क्लास के अंदर, क्या पढ़ा बताओ, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग। ये देख लो, नाम देता हूँ, एक का नाम क्या इसका बेटा, रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग, और साउंड का, और सुनार का साउंड नेविगेशन, साउंड नेविगेशन एंड रेंज, ठीक है। हो सकता है इन दोनों को आप ढंग से पढ़ लेना, एक बार पढ़ लोगे पढ़ते ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो था हमारा आज का कोई एक छोटे मोटे आर्टिकल जो हम बता रहा था आपको, मैं पीछे के जो हमारे पेंडिंग थे, आज का जो मेन आर्टिकल है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखो अभी तक जो हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे थे ना बेटा, देखो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको थोड़ी जल्दी होती होगी, जल्दी मतलब क्या, भाई इतना भाई अभी सिलेबस बहुत बच रहा है या फिर चैप्टर में बहुत कुछ बच रहा है, मैं आपको बोला जल्दी की टेंशन ना लो, जल्दी जहां पर होगी मैं आपको जो मेरे को लगता है जहां फास्टली करा सकता हूँ आपको फास्टली करा दूंगा, जहां मुझे लगता है कि आपका कंसेप्ट बनाना है और बिना कंसेप्ट बने हम आगे नहीं चल सकते वहां मैं आपका कंसेप्ट बनाऊंगा, चाहे उसमें मुझे 1 दिन या 2 दिन एक्स्ट्रा लगे, ठीक है। तो टाइमिंग की टेंशन ना लो, छुट्टी अगर कम से कम करेंगे हम तो ऑब्वियसली बात है वो सब कुछ स्टेटलाइज हो जाएगा, जल्दी चलने से कुछ फायदा नहीं है जब तक आपने कोई चीज सीखी नहीं, ठीक है। लेक्चर स्टार्ट होने से पहले और लेक्चर स्टार्ट होने के बाद अपने अंदर क्या वेरिएशन स्टार्ट करो, चेक करो कि आपने क्या सीखा क्या नहीं सीखा, अगर आप वेरिएशन कैलकुलेट कर पा रहे हो तो आपने आप अपनी एग्जैक्ट क्लास ली है, अदरवाइज क्लास का कोई मतलब नहीं बन रहा है, आपको और एफर्ट लगाने है क्लास के अंदर, ठीक है। तो देखो अब तक जो हम पढ़ रहे थे हम लोगों ने बेटा डिस्टेंस को मेजर किया, बहुत लार्ज डिस्टेंस हम लोगों ने, डिस्टेंस कौन कौन सी मेजर करी, एक तो हम लोगों ने भाई बहुत प्लैनेट्स के बीच की डिस्टेंस मेजर कर ली, मून से अर्थ के बीच की डिस्टेंस मेजर कर ली, फार स्टार की डिस्टेंस मेजर कर ली, हील की डिस्टेंस मेजर कर ली, है ना, कोई हील है उसकी डिस्टेंस, कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है उसकी डिस्टेंस मेजर कर ली, कोई इनएसेसिबल ऑब्जेक्ट है उसकी डिस्टेंस मेजर कर ली, सारी मेथड हम पढ़ चुके हैं और सारे के सारे मेथड हमने पढ़े हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ लार्ज डिस्टेंस को। अब दो मेथड ऐसे हैं जो कि स्मॉल डिस्टेंस को मेजर करने का, ना आर्टिकल का नाम क्या है, मेजरमेंट ऑफ, है तो बेटा वही इंडायरेक्ट मेथड ही है, डायरेक्ट तो दो बता चुका था वो कौन से मेथड है ना, ये है इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड टू मेजर, टू मेजर दी स्मॉल डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम लोग कौन से मेथड पढ़ रहे हैं, मेजरमेंट ऑफ स्मॉल डिस्टेंस, कौन से मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड, है ना। अब इनडायरेक्ट मेथड में सबसे पहले एक हाइपोथेसिस आता है, ठीक है, या एक मेथड आता है जिस मेथड की हेल्प से आप एटम की रेडियस फाइंड आउट कर सकते हो या एटम का साइज फाइंड आउट कर सकते हो। किसके साइज की बात कर रहा हूं बेटा, देखो बहुत बड़ी बात है, किसी भी एटम का साइज, किसी भी एटम की रेडियस या किसी भी एटम का डायमीटर फाइंड आउट करना, हम क्या फाइंड आउट करेंगे बेटा, टू फाइंड आउट द डायमीटर या फिर बोल सकते हैं टू फाइंड आउट द रेडियस ऑफ एटम, है ना। पहला मेथड कौन सा है, पहले मेथड का क्या है, टू फाइंड आउट दी रेडियस या फिर डायमीटर या फिर बोल दो साइज, साइज ऑफ एटम, किसी भी एटम का साइज फाइंड आउट करना है, उस एटम का साइज फाइंड आउट करने के लिए जो मैं मेथड यूज करूंगा उस मेथड को बोलते हैं एवोगैड्रो मेथड,
एवोगैड्रो, अभी आपने एवोगैड्रो मेथड का नाम, एवोगैड्रो का शायद पहली बार सुना होगा ना, या फिर हो सकता है केमिस्ट्री में आपको बता दिया होगा एवोगैड्रो क्या होता है। अगर नहीं बताया, मैं आपको वहीं से बेसिक से स्टार्ट लेकर चलूंगा, शुरुआत से ही शुरू करेंगे, एवोगैड्रो मेथड के बारे में बात करेंगे। अच्छा, बात पहले चल रहा, पहले सिंपल सिंपल बातें क्लियर कर लो, एवोगैड्रो मेथड किस काम आता है? सर, एवोगैड्रो मेथड काम आता है किसी भी एटम का डायमीटर निकालने के लिए, या एटम की रेडियस, डायमीटर पता लग गया तो रेडियस उसकी हाफ हो ही जाएगी, रेडियस निकाल देंगे। अब एवोगैड्रो का क्या मीनिंग है? एवोगैड्रो एक नंबर है, एवोगैड्रो एक साइंटिस्ट है जिसने एक हाइपोथेसिस दिया था, है ना, वर्ड के बाद वर्ड बन जाते हैं। हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस का मतलब ये है, ठीक है, जैसे मान लो आप लोग सब लोग मेरी क्लास ले रहे हो, तकरीबन मेरे अकॉर्डिंग तो आप मान के चलो 1 महीना हो गया मैं क्लास लेते हुए, आप लोग मेरी क्लास ले रहे हो और आपको क्लास रूम से इस सामने वाला मेरा बोर्ड दिखता है, ठीक है, और एक थोड़ा सा पोर्शन बैकग्राउंड में दिखता है आपको, ये चीज आपको दिखती है ना। इसके अकॉर्डिंग आपने छोटी सी चीज देखी, इसके अकॉर्डिंग आपने जो मेरा रूम है उसकी इमेजिनेशन अपने दिमाग में कर रखी कि सर का रूम इस तरीके का हो। आपको एक्चुअलिटी नहीं पता, आप एक्चुअल उस जगह पर आए नहीं, यार इस जगह पर आए नहीं, आप एक्चुअलिटी नहीं जानते, रियलिटी नहीं जानते, पर आपने अपने माइंड में एक इमेजिनेशन की। और कभी मान लो किसी भी टाइम आपको कोई टाइम मिले, फुर्सत मिले, और आप कभी गलती से भी मेरे घर आते हो और आप मेरे घर का ये रूम आके देखते हो, जब आप ये रूम आके देखते हो तो आपको पता लगता है कि रूम एग्जैक्टली वैसा ही था जैसा कि हमने सोचा था, ठीक है। तो एवोगैड्रो हाइपोथेसिस एक इसी टाइप का हाइपोथेसिस है जो एवोगैड्रो ने लगाया। एवोगैड्रो ने एक पॉइंट बताया जिसका पॉइंट का कोई उसने कोई लॉजिक नहीं था, उसने सिर्फ ब्रेन यूज किया और एक हाइपोथेसिस क्रिएट किया जिसकी प्रैक्टिकलिटी या प्रैक्टिकल जो उस टाइम, इसको फाइंड आउट करना कि प्रैक्टिकली वो वैसा है या नहीं है, प्रैक्टिकली ये जो बता रहा है ये बात पॉसिबल है कैलकुलेट करना, नहीं आज के टाइम में तो है वो पॉसिबल करना, पर पहले के टाइम में ऐसा पॉसिबल नहीं था कि हम एवोगैड्रो का जो लॉ था उसको समझ पाए। तो एवोगैड्रो ने एक हाइपोथेसिस दिया था, हाइपोथेसिस का मतलब ये होता है बेटा किसी एक चीज के बारे में अपनी राय देना या किसी भी एक चीज के बारे में अपनी फिलोसफी बताना बिना उस चीज को देखे, ठीक है, बिना उस चीज के देखे। मान लो मैं आप में से किसी भी एक स्टूडेंट के बारे में, जैसे मान लो ये नीरज है, मैं इसी नीरज के बारे में कुछ बोल देता हूँ बिना नीरज को मिले, बिना नीरज को देखे, और जो मैं बता रहा हूँ नीरज के बारे में और वो एग्जैक्टली सेम आ रहा है जो नीरज है जैसा भी, ठीक है, तो एग्जैक्टली जो सेम आया इसका मतलब मेरा ये जो लो था या जो मैंने ये कंसेप्ट दिया ये बन गया हाइपोथेसिस। क्या बन गया बेटा? ये हाइपोथेसिस। तो एवोगैड्रो साइंटिस्ट है, एवोगैड्रो साइंटिस्ट ने भी एक हाइपोथेसिस दिया था, उस हाइपोथेसिस के नाम सुनो। देखो इसने दो हाइपोथेसिस दो दिए, एक तो एटम के साइज को निकालने के लिए और एक जनरल हाइपोथेसिस ने सब में दिया हुआ है, केमिस्ट्री में भी आप बहुत बार पढ़ोगे और फिजिक्स में भी आप बहुत बार पढ़ोगे। देखो मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल हम बात करें हाइड्रोजन वाटर की बात करते हैं, एवोगेडर ने क्या बताया था वो देखते हैं, पानी से स्टार्ट करते हैं, वाटर, वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है बेटा पता होगा आपको, H2O। वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? H2O। सब बच्चों को पता है, 9th 10th में हमने पढ़ा होगा। H हमारे पास हाइड्रोजन है और O हमारे पास ऑक्सीजन। अब मैं आपको बता रहा हूँ एवोगैड्रो का लॉ क्या है, ठीक है, कौन से लॉ की बात कर रहे हैं? एवोगैड्रो लॉ। सुनो, वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O। H मतलब हाइड्रोजन, हमने कितने हाइड्रोजन ले रखे यहाँ पर? दो। ऑक्सीजन कितने ले रखे बेटा? वन। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है बेटा? वन। एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास वन होता है, तो दो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? टू। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर तो ऑक्सीजन का कितना होता है? एट। एटॉमिक मास ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा? 16। एक ऑक्सीजन है तो 16 हो जाएगा यहाँ पर, 16 + 2 इजिकल्स टू कितना हो गया? 18 ग्राम। ये 18 ग्राम हमारा मॉलिक्यूलर वेट है, किसका मॉलिक्यूलर वेट है?
वाटर का क्या है बेटा? मॉलिक्यूलर वेट। देखो जी, मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे, वेट नहीं। मॉलिक्यूलर मास है किसका? वाटर का। कितने ग्राम है बेटा? 1 3 ग्राम। ये बात समझ में आई सब बच्चों को? एक बार सब बच्चे मुझे हिंट दे दे बेटा, ताकि मेरे को लगे आइडिया कि आपने पढ़ा हुआ है। इतना पढ़ा हुआ है आपने? 9th 10th में भी बहुत बार पढ़ा होगा आपने। चलो, अगर हम, ध्यान सुना, कोई भी मॉलिक्यूल है या फिर कोई भी एटम है, एटम ले लेते हैं एग्जांपल में, एटम हम ले लेते हैं बेटा, लेट्स सपोज हमने ले लिया कार्बन एटम। कार्बन एटम का एटॉमिक नंबर तो कितना होता है? 6। एटॉमिक मास नंबर कितना होता है? 12। 12 ग्राम। कार्बन का एटॉमिक मास नंबर कितना है? 12। वाटर का मॉलिकुलर मास कितना है? 18। ठीक है, अगर हम वाटर का 18 ग्राम ले ले, 18 ग्राम पानी में ले लेता हूं, या फिर कार्बन का 12 ग्राम में ले लेता हूं, तो इसके अंदर पानी के, 18 ग्राम पानी के अंदर हमारे 1 मोल, 1 मोल मतलब मैंने आपको मोल कंसेप्ट में बताया था, 18 ग्राम पानी के अंदर हमारे 1 मोल मॉलिक्यूल होते हैं वाटर के, H2O के। अगर हम 18 ग्राम वाटर ले लेते हैं, मैं लिख देता हूँ इस लाइन को, इन 18 ग्राम ऑफ वाटर 18 ग्राम पानी के अंदर कितने मॉलिक्यूल होते हैं? 0.0622 × 10^23, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं। इतने नंबर ऑफ क्या होते हैं बेटा? मॉलिक्यूल। ये बात समझ में आई? मतलब आपके पास कोई भी मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल का अगर आप मॉलिक्यूलर मास निकालोगे, उतने मॉलिक्यूलर मास को अगर आप लेते हो उस मॉलिक्यूल के, तो उतने मॉलिक्यूलर मास में 1 मोल नंबर, 1 नंबर ऑफ मोल आपके पास मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, है ना। अगर मैं 18 ग्राम पानी लेता हूं एक कटोरी के अंदर, तो उस कटोरी के अंदर मैं ये आइडिया लगा सकता हूं, मैं ये बोल सकता हूं एग्जैक्टली कि उस 18 ग्राम पानी के अंदर 1 नंबर ऑफ मोल, 1 मोल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मतलब H2O के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। कितने मॉलिक्यूल्स मिलेंगे? 6.022 10^23 मॉलिक्यूल। ठीक है, इसी लॉ को कौन सा लॉ बोलते हैं? एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो भाई साहब ने क्या बताया कि अगर आप किसी भी मॉलिक्यूलर का मॉलिक्यूलर मास जो है उतने ग्राम वो मॉलिक्यूल ले लो, तो उस मॉलिक्यूल के अंदर 1 मोल क्या मिलेंगे आपको? मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। हम बोल सकते हैं जो मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर मास में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा? 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल। इसी कंसेप्ट को किसने दिया था? एवोगैड्रो ने दिया था। इसी को मोल कंसेप्ट भी बोल देते हैं। कौन सा कंसेप्ट बोल देते हैं बेटा? मोल कंसेप्ट। अगर मैं कार्बन 12 ग्राम कार्बन ले लेता हूं, तो 12 ग्राम कार्बन के अंदर 1 मोल मतलब 6.022 10^23 नंबर ऑफ कार्बन एटम होगी, नंबर ऑफ कार्बन एटम होगी। तो ये आपको एवोगैड्रो का लो समझ में आया। अब एवोगैड्रो के इसी लो का यूज करेंगे, और एवोगैड्रो ने एक लो और भी दिया है, ठीक है। वो लो किस लिए दिया है? किसी भी एटम के साइज को निकालने के लिए दिया है। किसी भी एटम के साइज को निकालने के लिए एवोगैड्रो ने एक कंसेप्ट और दिया है। उस कंसेप्ट को स्टडी करेंगे, वहां उस कंसेप्ट में ये एवोगैड्रो लो यूज होगा। एवोगैड्रो लो केमिस्ट्री में भी आएगा आपके पास, फिजिक्स में भी 2 बार आएगा, 11th में भी मिलेगा आपको, 12th में भी मिलेगा, ठीक है। तो मैंने आपको अभी बता दिया एवोगैड्रो लो के बारे में, ठीक है। तो इसको एक बार मिटा देते हैं और हम बात करते हैं किसकी? एवोगैड्रो मेथड की। एवोगैड्रो मेथड किसका मतलब? मेरे को ना एक बात याद रखनी है, एक बात याद रखनी है कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल का मैं मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर मास जितना उतने ग्राम में मॉलिक्यूल ले लूं, तो उस मॉलिक्यूल के अंदर 1 मोल मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। उतने ग्राम मॉलिक्यूल्स के अंदर 1 मोल हमारे पास मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना। एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं, कोई सा भी एग्जांपल ले लो बेटा।
जैसे मान लो ऑक्सीजन के लिए ओ टू, ओ टू हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन गैस है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, एटॉमिक मास नंबर कितना होता है 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 16 को 32। अगर आप किसी कंटेनर में 32 ग्राम ऑक्सीजन गैस लेते हो तो उस 32 ग्राम ऑक्सीजन गैस में 1 मोल ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होंगे। 1 मोल ऑक्सीजन के क्या होंगे बेटा, मॉलिक्यूल। तो अब हम यही बात कर रहे हैं, ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखो एवोगैड्रो ने क्या कंसेप्ट दिया, एवोगैड्रो ने एक कंसेप्ट दिया, उस कंसेप्ट का यूज करके हम लोग किसी भी एटम की रेडियस को फाइंड आउट कर सकते हैं। एवोगैड्रो ने कंसेप्ट क्या दिया, मान लो देखो, अब ये जो कंसेप्ट बता रहा हूँ ये कंसेप्ट पहले वाले कंसेप्ट से बिल्कुल डिफरेंट है, आपको बहुत ध्यान से समझना है। मैं आपको बोल रहा था ना अभी सब आपको फिजिक्स समझ में आ रही है, धीरे धीरे फिजिक्स कम समझ में आने का रीजन ये होता है कि हम उस पर उतने एफर्ट नहीं लगाते जितने की रिक्वायरमेंट होती है। जितनी रिक्वायरमेंट हो अगर उतने एफर्ट हम लगा दें तो ये चीज फिजिक्स तो कभी दिक्कत करे ही ना। चलो एटम को मान लेते हैं एक छोटी बॉल्स की तरह, एटम को क्या मान लिया हमने, छोटी बॉल्स की तरह, और छोटी बॉल्स जो है उसको हमने कंटेनर में भर दिया है ना। ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर हमने एटम्स रख दिए। एटम्स का मतलब हमारे पास क्या है, बोल्स, बोल्स रख दिए हमने इस कंटेनर के अंदर। यहां से एक बात समझ में आती है, देखो बोल रखने के बाद क्या इस कंटेनर की सारी जगह एटमों ने ले ली, नहीं, इस कंटेनर में यहां पर ये खाली जगह भी बची हुई है, इसको बोलते हैं वॉइड्स है ना, खाली जगह है ये, खाली जगह। इसका मतलब ये हुआ कि भाई जो एटम का, या फिर जैसे मान लो मैं एग्जांपल की बात करता हूँ, ये खाली जगह है, इसका मतलब ये हुआ कि मतलब मैंने फॉर एग्जाम्पल अभी वाटर की बात कर लेते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स है या कार्बन ली, चलो मान लो 12 ग्राम मैंने कार्बन ले लिया, तो 12 ग्राम कार्बन के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 6.022 × 10^23 मॉलिक्यूल्स है। अगर हम इतने मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं कार्बन के, ठीक है, और एक कंटेनर में हम उसको रखते हैं, इतने मतलब 12 ग्राम कार्बन को हमने रखा, तो 12 ग्राम कार्बन के अंदर जो कार्बन के एटम है उनके अंदर खाली जगह भी रहेगी, उनके अंदर एम्प्टी स्पेस भी रहेगा। इसका मतलब जो उन्होंने एक्चुअल वॉल्यूम कवर कर रखा है और जो वॉल्यूम हमें दिख रहा है वो दोनों डिफरेंट है। एक्चुअल वॉल्यूम जो इन सभी मॉलिक्यूल्स ने, मॉलिक्यूल्स इन सभी कार्बन एटम, मान लो ये कार्बन एटम ही है, ये कार्बन एटम के एक्चुअल मॉलिक्यूल्स है, ये सभी किसके एटम है, कार्बन के। तो जो इसका एक्चुअल वॉल्यूम है ना, एक्चुअल वॉल्यूम मतलब जो इसने एक्चुअल में कवर किया है, जो खाली जगह है उसके वॉल्यूम को हटा के, तो एक्चुअल वॉल्यूम कुछ और होगा और जो इसने वॉल्यूम कवर अप कर रखा है वो वॉल्यूम कुछ और होगा है ना। एक्चुअल वॉल्यूम इसका क्या होगा बेटा, कम होगा, और जो इसने वॉल्यूम कवर कर रखा है वो इसका कम होगा। तो इसने एक तो इसके हम दो वॉल्यूम की बात करते हैं, एक तो इसका कौन सा वॉल्यूम है बेटा, रियल वॉल्यूम, रियल वॉल्यूम बोल दो, या फिर किसका बोल दो बेटा, एक्चुअल वॉल्यूम, रियल वॉल्यूम बोल दो या फिर कितना बोल दो, एक्चुअल वॉल्यूम बोल दो, ठीक है, दोनों एक ही बात है। और एक इसका वॉल्यूम वी है, वी क्या है, वॉल्यूम इस पूरे कंटेनर का, जिसमें पूरे में क्या भरा हुआ है, एटम्स भरे हुए हैं, बात समझ आई। तो जो इसका एक्चुअल वॉल्यूम है वो कम होगा और जो इसका वॉल्यूम है उसकी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। ये बात समझ में आती है ना, कहने का मतलब मान लो मैं आपका जो रूम है, जिस रूम में आप बैठ के पढ़ रहे हो, उस रूम में अगर आप बॉल्स डाल दो, बहुत सारी बॉल डाल दो, तो बॉल्स डालने के बाद उस रूम के अंदर बॉल को बीच में जगह बच जाएगी, जिन जगहों को बोलते हैं वॉइड्स, क्या बोलते हैं बेटा, वॉइड्स। इन वॉइड्स की वजह से जो पूरे कमरे का वॉल्यूम है और जो एटम्स का वॉल्यूम है वो अलग अलग आएगा,
मतलब मैं बोल सकता हूं कि पूरे कमरे का वॉल्यूम ज्यादा होगा और एटम्स का वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। एटम का वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, और पूरे कमरे का वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा होगा। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। इसी कंसेप्ट के ऊपर हमारा जो एवोगैड्रो लॉ है, इसी कंसेप्ट के ऊपर है, जिसने हमने क्या निकाला, साइज ऑफ एटम। तो अब आप एक्चुअल वॉल्यूम और ये समझ में आ गया है ना। देखो अब क्या करने हैं, हम आगे इसी को डिस्कस करेंगे। एवोगैड्रो ने क्या बताया, एवोगैड्रो भाई साहब देखो, अब हम अबाउट टू एंड है, बहुत इजी है, इसके बाद समझना। अबाउट टू एंड है मतलब ये समझना 10 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। एवोगैड्रो ने क्या बताया, एवोगैड्रो ने बताया कि अगर मैं 1 ग्राम एटम लेता हूं, क्या लेता हूं बेटा, 1 ग्राम एटम लेता हूं, किसी के भी एटम, कार्बन के, हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के, किसी भी एलिमेंट के 1 ग्राम ले लिया मैंने, ठीक है। 1 ग्राम अगर मैं किसी भी एटम का लेता हूं, किसी भी एटम का 1 ग्राम लेता हूं, तो जो उसका एक्चुअल वॉल्यूम है, जो उसका एक्चुअल वॉल्यूम है वॉइड्स को हटाकर, वो उसके वॉल्यूम का 2/3 होगा, है ना। कितने ग्राम ले लिया, 1 ग्राम ले लिया, 1 ग्राम किसी भी एटम की जो एक्चुअल वॉल्यूम है, एक्चुअल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 2/3 ऑफ द वॉल्यूम, 2/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, 2/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम देखो, 2/3 को एक बार डिवाइड करते, 2 को 3 से डिवाइड करो कितना आएगा, 2/3 मतलब 0.6666 आएगा। परसेंटेज निकालेंगे तो 66.66% आएगा। मतलब यूं कह सकता हूं मैं कि एटम का जो एक्चुअल वॉल्यूम होता है वो पूरे वॉल्यूम, अगर मान लो 100% वॉल्यूम है, उसका 66.66%, 66.66% जो होता है वो एक्चुअल वॉल्यूम के बराबर होता है। मतलब अगर आपके पास वॉल्यूम पूरा 100 है, अगर मान लो मैं मान लेता हूँ वॉल्यूम 100 m³ है, तो उसमें एक्चुअल एटम ने कितनी जगह ले रखी है बेटा, एक्चुअल एटम ने उसमें जगह ले रखी है कितने परसेंट, 66% ले रखी है। कितने परसेंट ले रखी है बेटा, 66% ले रखी है, क्लियर है। तो आप बोल सकते हो कि अगर कोई एक, ये देखो 1 ग्राम एटम के लिए है, हम अगर 1 ग्राम एटम लेते हैं तो 1 ग्राम एटम का जो एक्चुअल वॉल्यूम है, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द 1 ग्राम एटम, वो किसके बराबर होगा बेटा, 2/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस। 2/3 का मतलब कितने परसेंट हो गया, इसका मतलब हो गया 66.66% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द वॉल्यूम, ठीक है। तो अब इसी कंसेप्ट के ऊपर हमारा ये लॉ चलेगा, कैसे देखो बहुत इजी है, 2-3 स्टेप में हो जाएगा, 2-3 स्टेप हो जाएगा। मान लेते हैं एम, एम हमारे पास क्या है, एम हमारे पास है मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी मॉलिक्यूल, या फिर कोई सब्सटेंस, कोई कंपाउंड है, उसका एम हमारे पास मॉलिक्यूलर मास है। जैसे वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना था हमारे पास बेटा, क्लास आपकी नेक्स्ट 11 बजे होगी ना, राजू समझ आ रहा है ना, चल हाँ। एम हमारे पास क्या हो गया, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मॉलिक्यूल्स हो गया, है ना। मतलब वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास है कितना है, 18 है, मान लो 18 की एम की जगह पर 18 है, वाटर से कंपेयर करोगे समझ में आ जाएगा। अच्छा एम मास के अंदर अगर एम ग्राम में लेता हूं, एम ग्राम वो मॉलिक्यूल लेता हूं, तो उसके अंदर 1 मोल मॉलिक्यूल होंगे, मतलब कितने मॉलिक्यूल होंगे, 0.62। 1 मोल मॉलिक्यूल को बोलते कैपिटल एन, कैपिटल एन का मतलब क्या है, 1 मोल, है ना। कैपिटल एन की वैल्यू कितनी है, 0.622×10^23, कितने मॉलिक्यूल्स उसके अंदर होंगे। तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स की बात करें, अगर मैं 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स लूं तो उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल होंगे, एन डिवाइड बाय कैपिटल एन। ये बात समझ में आ गई भाई, एम ग्राम के अंदर एन मॉलिक्यूल है, 1 ग्राम में कितने होंगे, एन डिवाइड बाय एम।
एन डिवाइड बाय एम क्या है बेटा? एन डिवाइड बाय एम है हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 ग्राम, 1 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, वो हमारे पास हो गए बेटा एन बाय एम। अच्छा, एक मॉलिक्यूल उसका वॉल्यूम, मॉलिक्यूल किस शेप का होता है? स्पेरिकल शेप का। मॉलिक्यूल किस शेप का होता है? स्पेरिकल शेप का। और स्पीयर का वॉल्यूम कितना होता है? वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम क्या होगा स्पीयर का वॉल्यूम? 4/3 πr³। देखो, एक मॉलिक्यूल का, मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है 4/3 πr³। हमारे पास टोटल मॉलिक्यूल कितने हैं? एन बाय एन। तो 1 ग्राम एटम में जितने मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, 1 ग्राम एटम में जितने मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं सबका वॉल्यूम कितना होगा? हम बोल सकते हैं द वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम एटम, मॉलिक्यूल्स ऑफ 1 ग्राम एटम नहीं, 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स कितना होगा बेटा? एन डिवाइड बाय कैपिटल एम इंटू में एक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूल, और एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम 4/3 πr³। बात समझ में आ गई? ये हमारे पास एन एटम का मॉलिक्यूल्स, एन मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम निकलाया जो हमारा एक्चुअल वॉल्यूम है। कंटेनर में डालेंगे तो उनके बीच में गैप आएगा, वो गैप एक्स्ट्रा बन के उसको 100% कर देता है। अदरवाइज वो कंटेनर में डालें है एक्चुअल में कितना परसेंट, ये हमारे पास कितना है बेटा? ये 66% ही है, ये एक्चुअली है। क्योंकि तो एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम निकाल लिया, उसको एन से मल्टीप्लाई कर दिया, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर दिया। अब एवोगैड्रो ने क्या बताया कि जो एक्चुअल वॉल्यूम है, जो एक्चुअल वॉल्यूम है वो 2/3 है किसका? वॉल्यूम का। एक्चुअल वॉल्यूम कितना आ गया हमारे पास? एन बाय एम, एन बाय कैपिटल एम, एन बाय कैपिटल एम इंटू में 4/3 πr³। और ये किसके बराबर होगा बेटा? 2/3 ऑफ वॉल्यूम, 2/3 ऑफ वॉल्यूम। मतलब वो है हमारे पास कौन सा वॉल्यूम जो उसने कंटेनर में पूरा लिया हुआ है, और ये वॉल्यूम किसका है? एक्चुअल वॉल्यूम। इस एक्चुअल वॉल्यूम किसके बराबर होता है? 2/3 ऑफ वॉल्यूम। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? मास। देखो, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला जाएगा मास ओवर कितना होने का बेटा? देखो, ये आपको फॉर्मूला पता होगा, बता देता हूँ। डेंसिटी होती है बेटा मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी। तो इसकी वॉल्यूम की जगह पुट कर देंगे तो जाएगा एन अपॉन एम 4/3 πr³ बराबर 2/3 मास बटे डेंसिटी। और हमको पता है मास हमने कितने ग्राम लिया हुआ है? 1 ग्राम, है ना? 1 ग्राम मास लिया तो एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना? एन बाय एम 4/3 πr³ बराबर 2/3 इंटू में नीचे डेंसिटी 1। एम की वैल्यू कितनी कर दी बेटा हमने? एम की वैल्यू 1 कर दी, 1 ग्राम लिया हुआ है। सबको सोल्व करो, यहां से आर की वैल्यू निकालनी है आपको। आर क्या है? आर है एक एटम की रेडियस। तब सबको सोल्व करेंगे, ऊपर लिख देते हम, सबको सोल्व करेंगे तो आर की वैल्यू कितनी आएगी? देखो, आर क्यूब को यही रहने दो, अभी आर क्यूब को मैंने यहाँ रहने दिया, बाकी सबको उधर ले जाओ। ठीक है, इस 3 को 3 से कैंसिल आउट कर सकते हो, और 2 1 जा 1, 2 2 जा 4, 8 2 हो जाएगा। यहाँ पर एम को ऊपर ले जाओ, ये मैं एम ऊपर चला गया बेटा। ठीक है, देखो आर क्यूब को मैंने यही रहने दिया, एम को ऊपर ले गया, नीचे कितना है? रो, एम अपॉन नीचे रो है, और ये एन पाई, एन पाई नीचे चला जाएगा, एन और पाई वहां बचेगा कितना? 2। आर क्यूब को निकालेंगे तो आर इक्वल हो जाएगा इस पूरे का कैपिटल एम 2 रो n π इस पूरे की पावर 1/2। इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग किसी भी एटम की रेडियस निकाल सकते हैं। एम देखो क्या चीज है मेरे पास, एम जिस एटम की रेडियस निकाल रहे हैं उसका मोलिकुलर मास या उसका एटॉमिक मास। 2 रो, रोज की डेंसिटी, डेंसिटी आपको पता होना चाहिए इसकी डेंसिटी कितनी है। एन हमारे पास क्या चीज है? नंबर ऑफ मोल्स, मतलब एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स है। तो पाई की वैल्यू पता ही है। इसको पुट करने के बाद बेटा आप लोग किसी भी एटम के साइज को कैलकुलेट कर सकते हो, और इसी लॉ का नाम है कौन सा लॉ? एवोगैड्रो लॉ। कौन सा लॉ है बेटा? एवोगैड्रो लॉ। तो आज के लिए ये है।
नेक्स्ट क्लास के अंदर हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में एक मेथड और है, एक ऑलिक एसिड है, ठीक है, एक फैटी एसिड होता है ऑलिक एसिड, उस ऑलिक एसिड की उस ऑलिक एसिड के ना एटम्स का साइज निकालेंगे, डायमीटर निकालेंगे, ठीक है, वो भी थोड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है, उसमें भी डिस्कस करेंगे। यहां तक किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है, अदरवाइज क्लास ओवर है, डाउट है तो पूछ सकता। जा सकते हो, क्लास लीव कर सकते हो।